रेलवे द्वारा ट्रेन में महिला सुरक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो महिला सुरक्षा के दावे को खोखले साबित कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आई, जहां चलती ट्रेन में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को ट्रेन में सवार टीटी ने अंजाम दिया। संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन से लिंक एक्सप्रेस में एक टीटी ने अपनी साथियों के साथ मिलकर प्रयागराज जा रही एक महिला को ट्रेन के इसी कोच में बैठाकर गैंगरेप को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला की तहरीर पर जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टीटी राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम शिनाख्त करने में जुटी है। पीड़ित महिला द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक घटना 16 जनवरी की रात 8 बजे की है, जब वो अपने 2 साल के बेटे के साथ रेलवे स्टेशन पर लिंक एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात स्टेशन पर मुलाकात परिचित टीटी से हुई, तो महिला ने सूबेदारगंज जाने की बात कही। आरोपी टीटी ने महिला को प्रथम श्रेणी के एसी कोच में बैठा लिया। महिला का आरोप है कि टीटी ने उसके पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर टीटी और उसके एक साथी ने उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी टीटी राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। घटनाक्रम पर पुलिस द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई के बारे में जीआरपी के प्रभारी केआर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। ये एक्चुअली में 16-1 की एक घटना है, जिसमें पीड़िता ने बताया है कि 16 जनवरी को वो चंदौसी से प्रयागराज जा रही थी सूबेदारगंज तक के लिए, और यहाँ पर टीटी राजू सिंह जो इस ट्रेन में चलते हैं उनसे इनकी बातचीत हुई। उसने इनको एसी में बैठने के लिए बताया और ये एसी में बैठ गई, एसी फर्स्ट क्लास में HA1 के बी कंपार्टमेंट में कूपे में, और वहाँ पे इनके साथ रेप किया गया। उनके साथ एक व्यक्ति और था जिसको वो नहीं पहचानती है, वो अननोन में है, तो उनकी तहरीर के आधार पर इस मुकदमे को पंजीकृत कर लिया गया है और टीटी की अरेस्टिंग हो गई है। एक आरोपी अभी नोन नहीं है, उसको वो पहचान भी नहीं पाई है और ऐसे वो जानती नहीं है। उन्होंने कहा शकल देख के मैं पहचान सकती हूँ, तो कई टीटियों को दिखवाया गया था जिनको वो पहचान नहीं पाई है, यानी इसके अलावा कोई था। कौन सी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत? मुकदमा 376D में मुकदमा पंजीकृत किया गया। लिंक एक्सप्रेस में हुई इस घटना पर ट्रेन की सुरक्षा की व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा हो गया, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बता दें कि संभल जिले में एक पखवाड़े में ट्रेन में रेप और छेड़खानी की दूसरी घटना है। बहरहाल ट्रेन में हुई इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।